तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अब आंगनवाड़ी सेविका को अपने हाथ से किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा के संबंध में खबर आंगनवाड़ी सेविका के रिलेटेड सामने आया हुआ है कि सेविका खुद से जो है वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर और वार्ड का मुहर लगा करके फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती थी। ध्यान दीजिएगा, अब ये मामला आरोपित है, इसके बाद जांच होगी, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए पूरा मामला क्या है, किस प्रकार का आरोप सेविका के ऊपर लगाया गया है। बहुत ही ध्यान से इस खबर को देखिएगा, भास्कर एक्सक्लूसिव जानकारी है, मुझे इस जिले की एक सेविका के द्वारा भेजा गया है। लिखा गया है, मरौना के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 135 का यह मामला है। पहले 2018 में, फिर 2022 में प्राथमिकी का आवेदन दिया गया था। जांच में सेविका का प्रमाण पत्र फर्जी मिला हुआ है। 6 वर्ष के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया, अभी तक इतनी घोर लापरवाही निकल के सामने आ रही है। लिखा गया, सिसौनी वार्ड 4 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका बहाली में हुए फर्जीवाड़े के मामले में आवेदन देने के 6 वर्ष बाद भी थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि करीब 6 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अब तक थाने में प्राथमिकी दर्ज तक नहीं हुई है। डीएम के आदेश के बावजूद पुलिस ने 6 साल पहले कार्रवाई नहीं की। दरअसल 2018 में पंचायत के वार्ड 4 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 135 पर सेविका चयन की रिक्तियां निकाली गई थी, जिनमें कुल 3 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। मेगा सूची में क्रमांक के आधार पर संख्या 1 पर सुनीता कुमारी और 2 पर सीता देवी थी। इसके बाद सेविका चयन के लिए आम सभा बुलाई गई, जहां क्रमांक संख्या 1 की अभ्यर्थी सुनीता कुमारी के संस्कृत बोर्ड के प्रमाण पत्र पाए गए थे, इसमें छेड़छाड़ की गई थी, इसके आधार पर फर्जीवाड़ा पाया गया। इसके बाद क्रमांक संख्या 2 की अभ्यर्थी सीता कुमारी का चयन सेविका के तौर पर कर लिया गया। अब यहाँ पर मामला समझिए कि सेविका के चयन में जो है फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मेगा सूची में ये अव्वल थी महिला। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया था, दूसरे का चयन हुआ, कोर्ट का आदेश पर बहाल हुई, फिर हटाया गया। जांच के बाद हटाया गया, आवेदन देने के 6 वर्ष बाद भी थाना में केस दर्ज नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा गया है कि एलएस ने थाने में 2 बार आवेदन दिया, 2012 में भी दिया था, 2018 में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। अब मामला क्या है ये पुलिस प्रशासन समझ सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जिम्मेदार बोले, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। नदी थाना अध्यक्ष जो है ये कहते हैं कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सीडीपीओ ने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया, मैं ट्रेनिंग में अभी हूँ, कार्यालय लौटने पर छानबीन किया जाएगा। इसके संबंध में केंद्र संख्या 135 के एलएस साक्षी कुमार ने बताया कि मेरी नई पोस्टिंग हुई है, मामला इनके संज्ञान में भी नहीं है, आपके जरिए अभी संज्ञान में आए सोमवार को कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वास्तव में ये फर्जीवाड़ा है या नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देख पा रहे हैं पूरा मामला, उम्मीद करूंगा कि अच्छे तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल हो, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।